गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई रीड चैप्टर 4 कठिन परीक्षा फर्स्ट। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पांडवों के बारे में पढ़ेंगे। पता सुना है आप लोगों ने पांडव के बारे में। पांडव कौन थे? पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये सभी पांडव महाभारत के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इनकी आगे की हाफ स्टोरी पढ़ेंगे, कठिन परीक्षा सेकंड, ठीक है। ओके, पांडवों के वनवास का समय था। दिन भर वन में भटकते भटकते पांचों भाई भूख और प्यास से बेहाल थे। तो पांडवों के वनवास का समय था। वनवास किसे कहते हैं? वन में जीवन बिताने का दंड, जिनको दंड मिलता है वन में जीवन बिताने का। तो दिन भर वे वन में भटकते भटकते पांचों भाई भूख और प्यास से बेहाल थे। थके हारे वे एक स्थान पर विश्राम करने हेतु बैठ गए। प्यास के कारण उनके कंठ से स्वर भी ना निकल पा रहा था, परंतु आसपास पानी का कहीं कोई चिन्ह ना था। वो थके हारे एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ गए। प्यास के कारण उनके गले से कुछ बोल भी नहीं निकल पा रहा था, परंतु आसपास कहीं पानी का कोई निशान नहीं था। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, सामने के ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखकर पता लगाओ कि क्या निकट कहीं पानी का कोई स्रोत, तालाब या नदी है। युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा? कि सामने के ऊंचे वाले पेड़ पर चढ़कर पता लगाओ कि कहीं पानी का कोई निशान, तालाब या नदी है। नकुल ने तुरंत आदेश का पालन किया। पेड़ पर चढ़कर उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और बोला, भैया, थोड़ी दूरी पर मुझे जल, पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति तो दिखाई दे रही है। नकुल ने क्या कहा कि थोड़ी दूरी पर मुझे जल, पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति दिखाई दे रही है, संभव है वहाँ पर जल हो। ठीक है, युधिष्ठिर ने कहा, जाओ और जल ले आओ। तालाब में साफ स्वच्छ जल देखकर नकुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह स्वयं भी बहुत प्यासा था। उसने सोचा, पहले स्वयं जल पीकर अपनी प्यास बुझाऊं, फिर भाइयों के लिए जल ले जाऊं। उसने क्या सोचा? उसको पानी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि पहले मैं खुद जल पानी पी लेता हूं और फिर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। परंतु जैसे ही उसने अपनी अंजलि जल में डुबोई, जैसे उसने अपना हाथ पानी में डाला, उसे चेतावनी भरा स्वर सुनाई दिया, रुक जाओ। उसे क्या आवाज़ आती है? रुक जाओ मातृपुत्र, यह सरोवर मेरा है।